सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, सुबह के 5 बज गए और मैं जिम आ चुका हूँ। चेक करो अपने पीछे है जिम खाली, बस एक दो बंदे लोग हैं साथ में और आज भी सूरज नहीं आया है। और प्रथमेश का सीन मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। एक्चुअली वो गया है अंबरनाथ, उसको काम था पासपोर्ट का कुछ, सो वो नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करूंगा। एंड सेकंड थिंग, सूरज नहीं आया, कॉल नहीं उठाया मेरा। सो चलते हैं, अब आज है हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट। सो अकेले, लास्ट टाइम भी चेस्ट एंड ट्राइसेप अकेले हिट किए थे, आज भी अकेले हिट करेंगे, लेकिन आज मैं चेस्ट डंबल से मारूंगा, डंबल प्रेस लूंगा। और आज जाएंगे 17 kg, वेट थोड़ा इंक्रीज करेंगे, देखेंगे कितना वेट जाता है हम लोग से 17 का, कितना रेप्स जाता है। सो चलो चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और जो भी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकूंगा करूंगा आप लोग के लिए, बाकी मिलता हूँ वर्कआउट ख़त्म कर। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज है हमारा 75 हार्डेस्ट चैलेंज का डे 2। सो जैसा कि मैंने ये चैलेंज लिया है, आप लोग को पता है, इसमें मैं क्लीन डाइट रखूँगा, प्रॉपर एकदम स्ट्रिक्ट डाइट नहीं रखूँगा बट क्लीन डाइट रखूँगा। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बाहर का बहुत कम खाऊँ। एंड सेकेंड थिंग, मेरा जो मेन है ये चैलेंज का, वो है वर्कआउट। सो हम लोग को 75 डेज हार्ड चैलेंज, हार्ड वर्कआउट करना है प्रॉपर विदाउट मिस एंड कंसिस्टेंसी। सो आज है हमारा सेकेंड डे, सो लेट्स गो। अब इसी तरह मोटिवेटेड रह के पूरा 75 डेज हार्ड चैलेंज कम्प्लीट करेंगे। और मैंने गोल सेट किया कि इन 75 डेज में मेरे को जो मेरा ड्रीम गोल है, जो ड्रीम वेट है, मैं वो अचीव करूँगा। यानी मैं अभी हूँ 60 kg, सो मेरे को 80 kg चाहिए था वेट। सो इन 75 डेज में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 20 kg जो वेट है वो मैं गेन करूँ और जो मेरी बॉडी फिजिक में चाहता हूँ वो मैं लेके आऊँ। तो चलते हैं, आज का डे 2 स्टार्ट करते हैं और चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट हिट करते हैं। बाकी यार गाइस, ये है मेरा बिफोर वर्कआउट पंप, चेक करो अभी कैसा दिख रहा है चेस्ट। और चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा पंप आता है। सर गाइज, हमारे चेस्ट के वर्कआउट की स्टार्ट मैंने किया इंक्लाइन डंबल प्रेस से और यहाँ पे मैं वेट ले रहा हूँ 17.5 kg। सो देखते हैं, अगर ये इजीली हिट हो गया 17.5 kg, सो हम लोग तीनों सेट के लिए इंक्लाइन, फ्लैट, डिक्लाइन के लिए यही परफॉर्म करेंगे और यही वेट यूज करेंगे। सर गाइज, हमारा इंक्लाइन परफॉर्म हो गया अच्छे से, तीनों सेट 17.5 kg से मैंने हिट किया। सो अब मैं फ्लैट के लिए भी सेम वेट ले रहा हूँ बिकॉज इजीली जा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम वेट इंक्रीज़ करेंगे, अभी फिलहाल 17.5 kg से प्रॉपर रेप्स मारते हैं फ्लैट और इंक्लाइन के लिए। बाकी डिक्लाइन मैं मारूंगा बारबेल से। सो डंबल का वर्कआउट सिर्फ इंक्लाइन और फ्लैट रहने वाला है। गाइज, अभी यहाँ पे डिक्लाइन में मैं बारबेल प्रेस मार रहा हूँ और यहाँ पे मैंने वेट लिया है फिलहाल 10 kg का, बट मुझे ये थोड़ा लाइट वेट लग रहा है। सो नेक्स्ट जो बचे हुए दो सेट हैं वहाँ पे मैं 2.5 kg और ऐड करूँगा और 12.5 kg से जो अपना डिक्लाइन बारबेल प्रेस है वो परफॉर्म करूँगा। सो चलता हूँ, ये तीनों सेट एक्सरसाइज ख़त्म करके मैं बढ़ता हूँ दूसरी एक्सरसाइज की तरफ और मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस, अब मैं मार रहा हूँ पैक फ्लाई की जगह पे केबल फ्लाइज बिकॉज मेरे को मेरा जो लोअर चेस्ट है वो अच्छे शेप में लाना है। सो इसलिए मैं केबल फ्लाइज ले रहा हूँ। सो गाइस, ये चेक करो, ये है हमारा पंप। अब मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर वर्कआउट का, मेरा चेस्ट वर्कआउट फिनिश हो गया है और ये पंप चेक करो, मस्त पंप आया है। मेरे को फील हो रहा है, आई डोंट नो ये डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं कैमरे पे विदाउट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद का, बट मुझे काफ़ी अच्छा पंप फील हो रहा है और प्रॉपर मसल ब्रेक हुआ है मेरा आज के वर्कआउट में। सो गाइस, ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज मैं लूँगा केबल पुश डाउन की और यहाँ पे मैं प्लेन रॉड का, स्ट्रेट रॉड का यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हिट करता हूँ आउटर ट्राइसेप के लिए, उसके बाद बाकी के जो वर्कआउट है ट्राइसेप के वो फिनिश करके हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं मिलता हूँ आप लोग से सीधा घर चल के। सो गाइस, मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 और आज के ब्रेकफास्ट में मैं शेक नहीं ले रहा हूँ बिकॉज पनीर है थोड़ा हैवी रहता है मॉर्निंग में। सो मैं सोचा आज शाम को, रात को आने के बाद शेक पी लेंगे। अभी फ़िलहाल ये 100 grams ऑफ पनीर है, यहाँ पे हल्दी वाला दूध और एलमंड्स। सो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा अलग है। सो चलता हूँ, ये ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ देन आराम से हम लोग निकलते हैं, फिर चलते हैं जॉब पे। सो गाइस, दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ लंच करने। आज काफ़ी दिनों बाद भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। सो मैंने एक्चुअली पनीर, मम्मी पनीर ही बना रही थी लेकिन मेरा काफ़ी दिन से पनीर 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 इच्छा नहीं हो रही थी। सो मैं सोचा कि बिना मन के खाने से अच्छा पनीर सुबह फ्राई करके सिर्फ पनीर खा लिया ब्रेकफास्ट में और अभी ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ताकि आराम से खा सकूँ बिना ज़बरदस्ती के। सो चलता हूँ, ये अपना लंच ख़त्म करता हूँ
देन फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइज मेरा लंच वगैरह हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 2:45, सो 15 मिनट बाकी अभी मेरे जो ब्रेक है ख़त्म होने में। सो मैं बाहर गया नहीं, मैं सोचा आप लोग से यहीं पे बात कर लूँ आराम से, बिकॉज दो तीन चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी। अब जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बोला आज मेरा 75 डेज हार्ट चैलेंज का डे टू है। मैंने मेरे ख्याल से आप लोग को डे वन का भी क्लियर आउट नहीं किया था, बिकॉज लास्ट मोमेंट किसी वजह से मैंने वीडियो में नहीं बताया था। सो अभी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि 75 डेज हार्ट चैलेंज किस रिलेटेड है। मतलब फिटनेस के रिलेटेड तो है ही ऑब्वियसली, 75 डेज हार्ट चैलेंज नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मैं मेन जो फोकस रहेगा वो अपने वर्कआउट पे रखने वाला हूँ। यानी मेरा मेन मोटिव ये 75 डेज चैलेंज का ये है कि मैं एक भी दिन 75 डेज तक अपना जो वर्कआउट है वो स्किप नहीं करूँगा। सो मेरा जो वर्कआउट पे पूरा फोकस रहेगा 75 डेज। अब भले इसमें एक ऑप्शन ऐड मैं करता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, या नींद खुलने की वजह से, या अलार्म न बजने की वजह से, किसी भी सो एंड सो रीज़न की वजह से अगर मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, तो उसके अल्टरनेट जगह पे मैं घर यहाँ पे अपने स्टोर में, अपने ऑफिस में 100 पुशअप्स का जो सेट है वो कंप्लीट करूँगा, जिससे मेरी बॉडी जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। सो वो काउंट हो जाएगा मेरे वन डे में। सो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी, आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सीन है। अगर किसी दिन मैं तो ऐसे पूरा ट्राई करूँगा कि 75 डेज में से एक दिन भी मिस ना हो, सिवाय संडे के जो हम ये करेंगे, हमारा बंद रहेगा, हफ्ते में एक दिन जिम नहीं करते, हम रेस्ट रखते हैं। उसके अलावा बाकी किसी भी दिन मैं कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं लूँगा। यहाँ तक कि मुझे कहीं बाहर भी जाना है, मैं कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्लान करके, एडिट करके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बस मेन मोटिव है 75 डेज तक विदाउट फेल हमें डेली एक्सरसाइज करना है। सो ये हो गया मेन मोटिव चैलेंज का हमारे। और उसके अलावा डाइट इसलिए मैं क्लीन रख रहा हूँ इस चैलेंज के साथ साथ, बिकॉज डाइट मेन है। आप लोगों को बताया वर्कआउट के साथ साथ डाइट भी चाहिए। सो डाइट मेरी इतनी हाईफाई डाइट नहीं है, बिकॉज मैं कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा सिवाय क्रिएटिन के। एंड अनदर थिंग, मैं चिकन नॉनवेज वगैरह भी नहीं खा पा रहा हूँ ज़्यादा। सो इस वजह से मैं वेज में खाऊंगा जो भी रहेगा प्योर घर का, और वेजिटेबल्स पनीर जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, मेरी रेगुलर डाइट है। स्वीट पोटैटो है, इसमें स्प्राउट्स है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रेगुलरली क्लीन डाइट फॉलो करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे। और इसके अलावा अगर बाहर का कभी कुछ खाना भी हुआ तो वैसा हेल्दी चीज़ खाएंगे जो कि हमारे कैलोरीज, हमारे न्यूट्रिशन इनटेक करने में हमें हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, अगर बाहर कहीं कुछ खा रहा हूं तो मैं चिकन बर्गर खा रहा, तो उसमें मुझे चिकन बर्गर में प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, फैट मिल रहा है। सो वैसी चीज़ें हम खा सकते हैं। एंड पिज़्ज़ा वगैरह, फ्रेंकी वगैरह, ये सब चीज़ नहीं चलेगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जंक फूड का क्या रहेगा, चिकन में कुछ खा लिया, अंडे में कुछ खा लिया, ऐसे टाइप में बाहर खाने खाऊंगा तो चलेगा। सो ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा चैलेंज 75 डेज के लिए। आज है हमारा डे टू। सो इसी तरह पूरा फोकस रखूंगा, कंसिस्टेंसी रखूंगा, और पूरा ट्राई करूंगा कि कुछ भी कर लो ये चैलेंज ब्रेक नहीं होने दूंगा। सो अभी हमारा कल से ये चैलेंज स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी ये चैलेंज 75 डेज कब तक खत्म होता है। और जो ये चैलेंज मैं ले रहा हूँ मेन मोटिव मेरे फिजिक चेंज करने के लिए, वो चेंज में क्या रिजल्ट आता है मैं आप लोग को डेली अपडेट दूंगा, हर 10 दिन, हर 5 दिन बाद कि क्या चेंज आया, एक हफ्ते में मेरे बॉडी में कितना वेट गेन हुआ है, और क्या फिजिक अभी दिख रही है मेरी, क्या साइज गेन हुआ है। सो बस यही था, छोटी सी एक टिप आप लोग को देनी थी, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना था चैलेंज के बारे में। सर गाइस शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से। बाकी जो बहुत मन कर रहा था बेल खाने का, सो मैंने ये गीली बेल ले लिया वापस। हाँ चलते हैं अभी ट्रेन में, बैठ के खाऊंगा और मिलता हूँ आप लोग से घर चल के सीधा। सर गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और हाथ मुंह धो के फ्रेश हो चुका हूँ। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 9:45 और ये आ चुका है हम लोग का आज का डिनर। यहाँ पे चने की दाल और रोटी। सो चलता हूँ फटाफट ये डिनर फिनिश करता हूँ, देन मैं आप लोग से मिलता हूँ। सर गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज रहे हैं। बाकी आज मैं जा ही रहा था अभी प्रोटीन शेक पीने, लेकिन जो दूध रहता है वो फट चुका है, पता नहीं कैसे गर्म करते वक्त वो फट गया। अब वो आई डोंट नो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों फटा, क्या है, छोड़ दो। बट दूध फटने के बाद आप में से कितने लोग को पता है, नहीं पता है, मुझे पता नहीं, इसे फटरूज बोलते हैं। जो दूध फटता है उसके बाद इसे, इसमें थोड़ा सा नींबू का एक बूंद डाल के और फाड़ा जाता है दूध को, पकाया जाता है जब तक उसमें का पानी ना खत्म हो जाए, और शक्कर डाल के इसे खाया जाता है। जो आप लोग जो मलाई मिलती है, आप लोग को पता होगा मलाई जमाई हुई मिलती है, सेम वही है, बस वो प्लेन सरफेस पे जमाई हुई रहती है। ये थोड़ा खुरदुरा आपको दिख रहा है पनीर के भुर्जी की तरह या अंडे की भुर्जी की तरह दिख रहा है, और ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब दूध फटे, महीनों, 4 महीनों में एक बार दूध फटता है तो ये खाने मिलता है। सो चलता हूँ ये एंजॉय करता हूँ, इसमें भी प्रोटीन ही मिलेगा हम लोग को, दूध फट गया है। बिकॉज अगर
इसमें दो ऑप्शन था, दूध फटने के बाद या तो मम्मी पनीर बना सकती थी या तो ये बना सकती थी, तो मैं बोला रोज पनीर तो खा ही रहा हूँ बाहर से, सो आज ये खाते हैं, ये ट्राई करते हैं। सो चलता हूँ ये अपना फिनिश करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। सर गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं चला सोने, बिकॉज कल है छुट्टी, आराम से सोएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा वीडियो जो आज का है वो वीडियो अभी एडिट कर लूंगा, बिकॉज कल मुझे काम खत्म करने थोड़े बहुत, सो क्या पता मुझे वापस टाइम मिले ना मिले, वीडियो अपलोड करने में डिले हो जाए, सो इसलिए अभी वीडियो एडिट करके रख दूंगा, कल सुबह उठ के अपलोड कर दूंगा। बाकी कल सुबह हम लोग को 9:30, 9:30, 9:30, 10 बजे तक जिम जाएंगे आराम से, बिकॉज कल छुट्टी भी है तो आराम से, टेंशन नहीं है, उठेंगे, कॉल करूंगा सूरज को, अगर सूरज आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आज की तरह आज भी हम लोग अकेले जाएंगे। मिलता हूँ आप लोग से कल के ब्लॉग में, कल देखते हैं क्या कल का प्लान है, अभी तक तो कुछ प्लान है नहीं, डिसाइड नहीं किया हूँ, बट दो तीन काम है निपटाने। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।